मंच में विराजमान प्यारा के नागरिकगण और साथी, मैं आपको साथी ही कहूंगी, आप लोग साथ जुड़े इसलिए बहुत बड़ा संघर्ष संभव हुआ। अजमेर से जो त्रिपाठी जी और साथी आए हैं, त्रिपाठी जी के लिए मुझे कहा गया कि आप यदि इस आंदोलन को सफल बनाना चाहते हैं तो अजमेर में एक डीएल त्रिपाठी है, उनसे आपको जरूर मिलना पड़ेगा। मैं त्रिपाठी जी को नहीं जानती थी, हम में से कोई नहीं जानते थे, हम लोग गए और त्रिपाठी जी से मिले और इतना हमें समझ मिला, इतना साथ मिला और पूरे ब्यावर के सारे संघर्षशील जितने भी यूनियन थे, जितने भी लोग थे, सब जुड़े और हमें आगे ले गए। इसलिए आपको भी बहुत बहुत याद दिलाना इसलिए चाह रही हूँ कि आप नहीं आते तो हमारा कोई आरटीए का कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। ब्यावर में भगवान पहले से, भगवान दास ने पहले दिन से हमारे साथ रहे, हर आंदोलन में साथ रहे हैं और ये नहीं रहते तो होता नहीं। इसलिए हम तीन मूर्ति नहीं, हम नवग्रह हैं और पता नहीं 20 ग्रह भी हो सकते हैं। खूब सारे लोग हैं यहाँ, पता नहीं उछल गए हैं, केसर सिंह जी हैं, बाबू जी हैं, लाल सिंह जी हैं और भी कौन कौन दिखा मुझे यहाँ पे, कौन कौन है यहाँ पे पीछे आगे, बहुत सारे और लोग हैं, सुशीला है, नॉर्थी है और बहुत सारे लोग हैं और हम सब लोग नहीं जुड़ते एक साथ, लक्ष्मी है, हम सब लोग एक साथ नहीं जुड़ते तो शायद ये काम आगे, मीरा है और भी कई लोग हैं, हम लोग नहीं जुड़ते तो ये काम आगे नहीं बढ़ता। और आज मैं एक अंग्रेजी में कहेंगे कि एक क्या कहे, एक एल्डर मेंटर के रूप में आई हूं मैं तो, आजकल सक्रिय रूप से नहीं हूं जैसे आप लोग हैं, मैं हूं और आती जाती तो रहती हूं, तो मैं आपके बलबूते संगठन और आंदोलन आगे बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा और जहां जहां मेरा सहयोग संभव है वहां वहां मैं देती जाऊंगी। मुझे लगा कि जितने लोग यहाँ हमारे साथ उस समय थे उसमें से बहुत लोग गुजर गए हैं जिनका नाम पड़ा गया था, मगर ये आप अंदाज नहीं लगा सकते कि इस धरती में 1200 लोग बैठते थे, हर दिन अनाज आता था, कोई 4 किलो, 20 किलो, 40 किलो, 30 किलो, 10 किलो अनाज लेके आते थे। इस सड़क में सीधा जाइए तो एक नोड़ा था, उस नोड़ा में हमारी रसोई थी, उस रसोई में यहाँ साफ करके धान का साफ यहाँ होता था, साफों की यहाँ चक्की थी, चक्की में पिस्ता आटा और आटा लेके वहां जाते और रोटियां बना के खाते हम लोग। तो मैं यहाँ बैठे बैठे उस सड़क को देख के पुराने यादें खूब आने लगे और ये ऐसे यादें हैं जो रोमांच का याद नहीं, वो लोगों की हिस्सेदारी का याद है, लोगों के प्यार मोहब्बत और स्नेह का याद है, लोगों का साथ देने का याद है। मैं ब्यावर शहर को कभी नहीं भूल सकती हूँ क्योंकि इस शहर ने मेरे खूब सारे अभिप्रायों को तोड़ा। हम तो शहर से डरते थे, मजदूर किसान सच्चे संगठन गांव में था, तो जब हमें हर्षवर्धन ने कहा ब्यावर में जाके धरना दो तो हमने कहा हम ब्यावर कैसे जाएंगे, उसने कहा कमाल है, बोल टुकड़ी का व्यक्ति क्यों करोगे, ब्यावर तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो हम ब्यावर आए, एक रैली निकाल के लाए आए और हमने ये तय किया कि आज से यही बैठेंगे, हम सरकार से कोई मांग उठा रहे, हम अभिज्ञ थे, हम लोगों से बहुत ज्यादा लोगों को जानते नहीं थे, मगर उस 40 दिन के दौरान ऐसी दोस्तियां बनी है जो जिंदगी भर हमारी दोस्तियां रहेगी। सारे धर्मशाले खुल गए यहाँ पे, ये चांगे धर्मशाला का कोई नाम बदल दिया तो पता नहीं, वही है ना, तो रोज यहाँ पे अनाउंस होता था कमरा नंबर 2 और कमरा नंबर 12 का चाबी जिसके पास को यहाँ आ जाए बच के। पता नहीं कितने बार सुना होगा लोगों ने, 2 और 12 नंबर में अपने सामान रखते थे तो किसी को भी कुछ चाहिए होता तो नंबर का जिक्र होता। और तब कविता श्रीवास्तव जवान थी, निखिल डे भी जवान था और मैं इससे ज्यादा जवान थी, तो इसलिए हम सब लोग रात सुबह शाम यही सोए यही उठे और यहाँ पे सूर आते थे रात को और हमारे चप्पलों को ले जाते थे। आप अंदाजन लगा सकते हैं कि आम तौर पे ऐसे कुछ घटना हो तो हमें मन करता है कि यहाँ से भागो यार, कहीं आप चले जाओ, किसी चीज ने हमें यहाँ से नहीं भगाया, हम यही बैठे रहे और वो 40 दिन हमारे बहुत अच्छे गुजरे। कमला दत्त भी आज यहाँ नहीं है, शायद वो प्रचार प्रसार में कहीं गई होगी तो वो मुझे आके बोली
कि अरुणा आप ये लड़ाई जीतना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा मेरे हाथ में नहीं, आप भैरू सिंह जी के पास जाइए और भैरू सिंह जी को समझा दीजिए, वो हमें जिता दे तो जिता दे, हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है इतना कमला जी? तो उसने कहा हम सट्टा खेल रहे हैं बिहार में कि ये आंदोलन जीतेगा कि हारेगा, तो आपको जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि हम बहुत सारे लोगों ने सट्टा में यही कहा है कि ये जीतेंगे। मतलब इस तरीके के हमारे स्नेह और रिश्ते बने, तो अब वो रिश्ते आज तक मुझे याद है और आज तक मुझे चलाते हैं। एक चीज, दूसरी बात यह है कि चांद गेट में ये मांग जो ब्यावर जिला बनाने की उठी, उसके लिए हम लोगों ने सही तरीके से साथ दिया। आज ब्यावर के जनता को मुबारक कि ब्यावर जिला बन गया है। जितने साथी इन दुकानों में हैं, पता नहीं नए लोग हैं कि पुराने साथी गण हैं, हमसे परेशान हो जाते थे दिन रात सुबह शाम, हम तो नारा लगाते गाना गाते, कुछ आवाज तो होता ही था पंडाल में, पता नहीं कितने परेशान हुए कैसे रहे। यहाँ पे एक चाय दुकान, पता नहीं वो चाय वाला उठ गया कि वही चाय वाला है, तो हमें कट चाय देते थे, उठ गया तो वो कट चाय देते थे वो हमें। एक नींबू सोडा वाला यहीं पे खड़ा रहता था, वो हमें नींबू सोडा सस्ता देता था। हमें एक बार मैं और कविता श्रीवास्तव कोने में एसटीडी बूथ पे गए थे, कुछ फोन करना था, तो एक शख्स आया हमारे पास, शायद उनका नाम गुप्ता जी था, वो हमें पूछे कि कहाँ सोते हो आप लोग, हम यहीं पे सोते हैं, और निवृत्त कहाँ होते हो? आपने कहा कोई धर्मशाला वगैरह में चले जाते हैं, या तो यहाँ पे एक स्नान घर है जो शमशान से आते हैं उनके लिए एक स्नान घर अभी भी बना हुआ होगा, वहीं पर लोग नहाते थे। तो फिर हमने कहा यही करते, तो वो कहे अभी जाना मत कहीं भी, यही पे रुको। गए और 10 मिनट बाद आए और हमारे हाथ में चाबी संभाला, चाबी दिया और कहा मेरा घर उस तरफ है सड़क, आप उस घर में आपके कोई मेहमान आते हैं किसी को वहां ठहराइए, उनको तो आप यहां नहीं सुना सकते। हमने कहा ठीक, उनको तो हम यहां नहीं सुना सकते। उसमें मेधा पाटकर रही, उसमें प्रभाष जोशी रहे, उसमें अजीत भट्टाचार्य जी रहे, उसमें कई लोग आके रहे जो हमारे साथ देने के लिए आए थे, जो इस धरती पे यहाँ हमारे साथ जमीन पे नहीं सो पाए वो रहे। उन्होंने हमसे कुछ ना पैसा मांगा ना कुछ मांगा, और इतना हमारे विश्वास था उनका हमारे पे कि वो घर की चाबी संभला दिए हमें। तो इस किस्म का प्यार और विश्वास और राजनीतिक साथ मिलता है, फिर वो अवश्य वो आंदोलन को जीतना ही था। फिर भी हमारे मन में कई भावनाएं थी, वो 11 साल लगा उस आंदोलन को जीतने, 9 साल लगा, 2005 में कानून पास हुआ। अब ब्यावर और हमारे बीच में एक ही प्रॉब्लम रही है कि बाद में जब कानून के ऊपर हमला हुआ, हम उतने जल्दी यहां इकट्ठे नहीं हुए। 2006 में हुआ, 2008 में हुआ, फिर अभी 2017-16 में हुआ, और आज तो हमारे कानून को खत्म करने के लिए चला बसा, हम लोग इतने लोग बोले मगर ब्यावर शहर चुप रहा। तो मुझे लगता है अभी नहीं रह सकते हैं। आपका ही हुए कानून, आपका ही स्मारक है, आपका ही म्यूजियम है, और आपके शहर का और आपके जिले का शान है। तो मैं अब से आपको कहूंगी कि इसके ऊपर कोई भी हमला हो तो हम सब लोग कम से कम ब्यावर के शहर के लोगों को एकजुट होकर उसके साथ संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि खैर मैं राम प्रसाद जी जितना अच्छा नहीं लिख सकती, मगर कई लोगों ने अफवाह उड़ाया कि सूचना का अधिकार का कानून दिल्ली में बना, ये तो कुछ वहां के आंदोलनकारी और वहां के जो सरकारी कर्मचारी है मिलके बनाए, ब्यावर का नाम नहीं, इस जिले का नाम नहीं, इस पड़ोसी जगह का नाम नहीं, राजस्थान का नाम नहीं। तो हमें लगा कि हमें इसकी कहानी लिखनी चाहिए, तब भी हम राम प्रसाद जी के पास जाके उनके जितने भी नोट्स थे सब पढ़े, इसको बिना पढ़े कोई किताब हमारा बना ही नहीं है। तो इसकी दो है, अंग्रेजी में ये है और हिंदी में ये है, एक किताब प्रकाशित हुए हैं जिसमें हमारी ही कहानी है, इसमें प्यार जी की कहानी है, बोड़ी के प्यार जी सरपंच जो खुद आके कहा कि मेरा जन सुनवाई करवाओ, और यहाँ पे जन सुनवाई करने वाले केसर सिंह जी बैठे हैं, और पता नहीं वो कहाँ गए, अपने बारूदी कहाँ गए, बारूदी वगैरह वगैरह सारे जन सुनवाई से उठ के आए हैं। तो सब लोगों को मालूम है कि जन सुनवाई में कितना खतरा था, वो आके कहे कि मेरा ही जन सुनवाई करवाओ। हमने कहा आप तो फंसेंगे क्योंकि आपका दस्तखत है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तंग आ गया हूं इस भ्रष्टाचार से, मेरे हाथ में स्टैंप दे दिया, उसके लिए उन्होंने कहा एक डब्बा दे दिया,
अबे कई करो सर डब्बा में लेर में ठपाटप 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 भराव करे। और वो ठाकुर जी ऊपर बैठते थे, सरपंच साहब दलित थे उनको नीचे बैठाते थे। खैर ऐसे भी संघर्ष हुए, उनकी भी कहानियां हैं, ये नहीं कि क्या हुआ पहले बाद सब चीजों की कहानी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी बिहार के लोगों के लिए कम से कम कि इस कहानी को एक बार पढ़े तो सही, क्योंकि आपकी ही कहानी है इसमें, तो मैं सोचू दो तिहाई बिहार की कहानी। आगे मैं अपने बात को जल्दी समाप्त करूंगी, मगर यहाँ खड़े होने के बाद कुछ चीजें याद बहुत आती हैं कि ये स्मारक जब बनाया था, इस स्मारक को देखने के लिए विदेश देश से लोग आए, क्योंकि एक स्मारक ऐसा एक जगह बन गया है जिसको देखने के लिए। और ये सच है जो मेरे साथी कह रहे थे कि आगे पीछे झाड़ू भी नहीं लगता है वो इतना। तो म्युनिसिपैलिटी के दोस्तों से थोड़ा रिक्वेस्ट है, थोड़ा साफ सुथरा रखने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं इसको देखने के लिए। दूसरी बात यह है कि अपन जो ये संग्रहालय संग्रहालय लाइब्रेरी होती है, ये म्यूजियम को क्या कहते हैं? संग्रहालय के लिए जो हम लोग सोचते हैं, वो सोच के लिए भी मीटिंग करने के लिए अभी हम जा रहे हैं, पुस्तकालय कहते हैं, संग्रहालय म्यूजियम ही है। ठीक है, तो वो म्यूजियम या संग्रहालय में हम ये चाहते हैं कि चलती हुई कहानी भी हो, पुरानी कहानी तो हो ही, मगर एक चलती हुई कहानी ऐसे होना चाहिए जिसमें कोई जवान लड़का लड़की स्कूल में पढ़ता हुआ कॉलेज में पढ़ता हुआ वहां जाकर अपने इतिहास को समझ पाए, उस इतिहास से संविधान को भी समझे, संविधान को समझे तो हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसको भी समझे। यह नहीं कि केवल सूचना के अधिकार को समझे, क्योंकि सूचना के अधिकार का जड़ तो संविधान है और बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद जितने भी है 19 उनके तहत हमारा बना है, इसलिए इसको हम ना भूलें, इसलिए भी है। मैं ये कहना चाहूंगी अंत में कि आज मैं और नॉर्थी, खासकर क्योंकि नॉर्थी और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, हम दोनों आज आए हैं क्योंकि हमें लगा ऐसे मौके पर हम नहीं रहे तो अच्छा नहीं है, मगर आपके समय को मैं बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज मेरे और नॉर्थी के लिए शायद एक साल का जिंदगी और बढ़िया है यहाँ आके। जो कहते हैं ना आंदोलन में जाके तकलीफ होता है या थकते हैं, मेरी पीढ़ी जो है मेरे और नॉर्थी की पीढ़ी, तो जैसे ही आंदोलन या कोई संघर्ष में उतर जाते हैं तो हमारा उम्र बढ़ जाता है, क्योंकि ऊर्जा पता नहीं कहां से आता है पैदा हो जाता है। तो हम दोनों को ऊर्जा और लेके जा रहे हैं, हम साथ रहेंगे और इस बात को आगे बढ़ने के लिए भी साथ रहेंगे, मिलकर करेंगे और साथ साथ चलेंगे, ये बात है। और साथ साथ नहीं चलेंगे तो कोई भी चीज सक्षम नहीं होता है, रामप्रसाद जी और आप सभी साथी लोग अच्छे से जानते हैं। तो अभी मिलते रहेंगे, इस बहाने भी मिलेंगे कि इस म्यूजियम के संग्रहालय के बारे में बात करनी है, मगर जो छूट गया है हमारे रिश्ते में एक लगातार मिलने का सिलसिला, वो भी त्रिपाठी जी हमें वापस लाना पड़ेगा। आपको कष्ट देंगे, कभी कभी हम भी अजमेर आ जाएंगे बात करने के लिए, आपकी इस उम्र में आप इतना दूर आए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य है कि आप आए हैं। आपके आने से मेरी ताकत हर समय बढ़ता है, नैतिक लोग जब जुड़ जाते हैं तो हम 4 हैं तो हम 4000 हैं, तो नैतिक लोगों पर जुड़ना बहुत जरूरी होता है। और प्रभाष जी, अजीत भट्टाचार्य जी जो एडिटर थे टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के, प्रभाष जोशी जो जनसत्ता के एडिटर थे, कुलदीप नायर जो बहुत महापुरुष थे जर्नलिज्म में, कई जगह लिखते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और इमरजेंसी के टाइम उनको जेल में भी डाला है, और निखिल चक्रवर्ती जिनको माना जाता था कि नैतिक पत्रकारिता में सबसे बड़े हैं, सब लोग यहाँ की इस चाम गेट की धरती में हमें आशीर्वाद देके गए और फिर बाद में जुड़े। जस्टिस सावंत जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, उन्होंने हमारा कानून बनाया और हमारा जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ 2001 में, उसमें वो बियावर आए, बाबा अढ़ल आए, मेधा पाटकर के नाम तो मैंने कह ही दिया। कई किस्म के लोग जो आंदोलनकारी थे वो भी आए, जो कानून समझने वाले थे वो भी आए, जो पत्रकारिता में महान थे वो भी आए, और हमारे जैसे साथी लोग जो समाज के संघर्ष में उतरते हैं वो खूब सारे आए। और ये सब लोग नहीं जुड़ते, ये समुद्र नहीं बनता तो ये कानून नहीं होता, किसी एक की वजह से कुछ भी नहीं होता है।
मैं आपको बिल्कुल बोलना चाहती हूँ, एक का नाम नहीं लेना चाहिए, और मैं बहुत शर्मिंदा हो जाती हूँ जब मेरा नाम लिया जाता है, क्योंकि इतना ही है कि एक जने को मीटिंग बुलाना पड़ता है, एक जने को बुकिंग करनी पड़ती है, एक जने को आयोजन करना पड़ता है। वो काम तो है जो एमकेएसएस का ये काम रहा है, मगर केवल एमकेएसएस का भी देन नहीं है, ये तो बहुत सारे लोगों का देन रहा है। इसलिए आज सार्वजनिकता को हम याद करेंगे तो भारत को वापस, इंडिया को वापस उसी जगह लाएंगे जहां वो था, जहां हमारे बीच में जाति भेद, धर्म भेद, लिंग भेद का एक अपेक्षा नहीं था, जिसके लिए हम लोगों ने लोगों को मारा नहीं, काटा नहीं, जिनके लिए हम लोग साथ साथ रहे और साथ साथ रह के आगे ले गए। गांधी जी के पद्धति के अनुसार हम सत्याग्रह या अहिंसा के तौर तरीके से संघर्ष किए हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे प्रेरणा लिए हैं। उनका संविधान नहीं होता तो हमारा कोई संरक्षक नहीं होता। आज इस संविधान को बदलने के लिए कह रहे हैं, तो आप भी अगर के साथी से मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ बिल्कुल अंत में, कि वो संविधान गया नहीं, हमारा सूचना का अधिकार गया नहीं, हमारे मनरेगा गया नहीं, हमारे जो अत्याचार विरोधी हमारे जितने भी कानून है सब चले जाएंगे, और बराबरी का जो मूल्य है वहां पे वो भी गायब हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या हम संविधान को बचाने के लिए भी कुछ दिल में सोचें, मन में सोचें। तो एक नारा और लगा देते हैं, मैं कहूंगी संविधान बचाओ तो आप कहेंगे देश बचाओ, मैं कहूंगी संविधान बचाओ तो कहेंगे मुझे बचाओ, मेरा भी बचाओ संविधान नहीं है, है ना? संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, क्योंकि उस संविधान में देश है, देश में मैं हूं, हम कोई कटे हुए नहीं है, अकेले अकेले हम सब लोग उस सामूहिकता में शामिल हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन ये देश बहुत आगे बढ़ेगा। मेरा अभी आगे यही सोच है कि अभी आने वाले सालों में मैं इस मंच पे ना बैठूं, मैं कहीं पीछे बैठूं, और जितने जवान चेहरे यहां दिख रहे हैं वो सब लोग मंच पे बैठे और ये मीटिंग को चलाए, मगर खैर कभी कभी भूमिका खींच लेता है तो आगे हूं। तो इच्छा यही है कि आप लोग इस आंदोलन को, इस मुद्दों, इन मुद्दों को, इस देश को आगे ले जाने के लिए उतने ही कर्मठता से रहेंगे और उतनी कर्मठता से संघर्ष करते रहेंगे तो ये देश क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। सबको मेरा जिंदाबाद, और ये संग्रहालय का जिंदाबाद, और ये संग्रहालय के कारण भी मिलेंगे और उसको बनाने के लिए भी मिलेंगे, उसके उद्देश्यों के लिए भी मिलेंगे। सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत जबरदस्त स्नेह और जिंदाबाद और शुक्रिया।